भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज तुम क्या, मैं भी इनकी आंखों में देखूंगा। आज तक मुझे लगता था मेरा बेटा सबसे अलग है, लेकिन आज वही बात मैं इन सब की आंखों में देखूंगा, पढ़ूंगा और खुश भी हो जाऊंगा। मीरा, देखा, अपना भीम सबसे अलग है। हाँ भैया, हमारा भीम सबसे अलग है। भीमराव, हर जाने की 200 स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेज अधिकारी को दे दो। भीमराव, हमें तुमसे बात करनी है। जी बताइए। तुम्हारी चिट्ठी महाराज को मिली। चिट्ठी पढ़कर महाराज को लगा कि तुम अदालत में जीत जाओगे, लेकिन तुम हार गए। तुम्हारी हार को लेकर उनको लगा कि जितना आकलन उन्होंने तुम्हारे प्रतिभा को लेकर किया था वो गलत था। क्योंकि जो अभी से नुकसान देता हो वो बाद में बड़ा नुकसान दे सकता है। इस साल की तुम्हारी पढ़ाई की फीस छात्रवृत्ति से भरी जा चुकी है और उसके बाद के 2 साल की फीस छात्रवृत्ति से नहीं भरी जाएगी। और महाराज ने कहा है तुमसे आगे की छात्रवृत्ति छीनी जाती है। वाह! वाह! देर आए दुरुस्त आए, महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। वैसे बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। हाँ, अरे जिन लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए उन्हें महाराज छात्रवृत्ति दे रहे हैं। आपने हमको यह गुड न्यूज सुनाकर हमारे इस फंक्शन के एंजॉयमेंट को डबल कर दिया। आइए आप भी हमारे इस फंक्शन में एंजॉय कीजिए। नहीं, अब महाराज का संदेश लाए इसलिए हम जश्न में शामिल नहीं हो सकते। इट्स ओके। मंत्री साहब, मेरे पति से छात्रवृत्ति मत छीनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपसे निवेदन है, अब राजा लोग हैं, आप लोग के लिए छात्रवृत्ति के पैसे चंद मुद्राएं हैं, लेकिन भीमबाव के लिए उनकी सांसें, ऐसा मत कीजिए। राम जी, हमारी आंखों में बाद में झांक लेना, पहले यहां आ गया। इनके हाथ पैर जोड़, पैरों में गिड़गिड़ा, थोड़ा रोना धोना कर। आजा,
देखिए मंत्री जी, जब महाराज ने कुछ शर्तें रखी थी तभी तभी मैं इस छात्रवृत्ति के खिलाफ था। तुम्हारे स्नातक होने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारा बड़ौदा राज्य उठाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। लेकिन मैं चुप हो गया क्योंकि वो छात्रवृत्ति भीम को मंजूर थी। करने दीजिए बाबा, बड़ी मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप लोग इस छात्रवृत्ति को छीन लेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं आपसे विनती करता हूं, आप इसकी छात्रवृत्ति चलने दीजिए। हाँ, अब इस घर का अपना नाटक शुरू होगा। देखिए, हमें नाटक से कोई मतलब नहीं है, हमने जो कहना था कह दिया। मंत्री जी, मेरा एक सवाल सयाजी महाराज से पूछेंगे आप? क्या सवाल है? वो महाराज है, उनके पास उनकी बहुत बड़ी सेना होगी। अगर कभी ऐसा हुआ कि सेना का कोई सैनिक किसी लड़ाई में हार गया, घायल हो गया, तो क्या वो उस सैनिक को ऐसे ही हटा देते हैं? उसकी प्रतिभा पर, काबिलियत पर शक करते हैं? भीमराव, दिमाग खराब हो गया है? मतलब समझ में नहीं आया कि तुमने इस पूरे मामले में ये सैनिक कहां से ला दिए? मतलब एक विद्यार्थी और एक सैनिक बराबर हो गए? बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर पढ़ाया जाए तो आगे जाकर भविष्य में वो भी उतने ही काम आएंगे जितने सैनिक आते हैं। भीमराव, ये तुमने अच्छा और सही लाइन चुना है वकील बनने का, बात को अच्छा घुमा लेते हो। हार गए हो लेकिन हार मानने को तैयार नहीं हो, फिर भी बातों को राउंड 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 घुमाए जा रहे हैं। मेरे पति हारे नहीं है, वो आपके खिलाफ केस लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है। तेरा ये पति कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तू बीच में कूद कर जरूर बोलेगी। सही कह रही है वो, और वो ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो मेरी पत्नी है, अच्छे से जानती है मुझे। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मंत्री जी, मैं महाराज के जवाब का इंतजार करूंगा, आप मेरा यह सवाल उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनका जवाब भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, जो भी जवाब होगा मैं कल शाम तक तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। धन्यवाद। चलो। आप एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, मैं अभी हारा नहीं हूं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं आगे भी लड़ूंगा और इस लड़ाई के लिए आप सब भी तैयारी कीजिए। हम तैयार हैं, तैयार हो गया, लेकिन अब तुम तैयारी करो, और तुमको हराने के बाद इसी जगह पे हम इससे भी बड़ा फंक्शन मनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड?
गुड नाइट। थैंक यू। कॉलेज तो बंद है ना तुम्हारा, और वो कौन वकील साहब जिनके साथ तुम काम करते थे? उनसे तो तुम सहमत ही नहीं हो, और जिसके साथ सहमत नहीं हो उसके साथ काम कैसे कर सकते हो? फिर कहाँ चल रही सवारी? लीजा भाई, मैं और तुम दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सालों से एक ही घर में एक साथ रहते हैं ना, तो भीम भी उसी हिसाब से वकील साहब के यहां काम करेगा। देखो बेटा, बस इतना याद रखना, अपनी किसी से असहमति मेरी और जीजाबाई की तरह मत रखना। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में रुकावट आती है, मुश्किलें बढ़ जाती है, क्लेश पैदा होते हैं। अगर तुम किसी से असहमत हो तो उस असहमति को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सको, तो वो असहमति रिश्तों में मजबूती और संतुलन बना देती है। जा बेटा ऑफिस, और गुरु शिष्य की मर्यादा में रहकर जितना असहमत रह सकते हो उतना रहो। जी बाबा। और हाँ, ये जो अभी अभी मर्यादा का पाठ पढ़े हो ना अपने बाबा से, हो सके तो उस अंग्रेज अधिकारी को भी सिखा देना, क्या पता उसमें सकारात्मक ऊर्जा जाग जाए और तुम्हारा जो कॉलेज बंद पड़ गया है वो खुल जाए। भीम को ताना देकर हो गई तसल्ली? तो चल अब झाड़ू मार ले। हाँ, हो गई तसल्ली। जितने ताने मारती हूँ ना भीम को उतनी तसल्ली होती है मुझे, और उससे बढ़कर खुशी होती है जब वो हार जाता है। इसलिए उसे ताने मारती रहूंगी और खुश होती रहूंगी। हाँ जीजा, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन एक बाप का दिल जानता है कि उसका बेटा हारेगा नहीं। मैं मानता हूं कि पहले मैं इस छात्रवृत्ति के खिलाफ था, लेकिन मुझे आशा है आज शाम तक महाराज का कोई ना कोई जवाब आएगा, और वो जवाब भीम के पक्ष में होगा। सालों से आप इसी झूठी आशा के सहारे जीते आए हैं, देखेंगे। देखना रमा, महाराज की तरफ से जो जवाब आएगा वो भीम भाव के पक्ष में ही आएगा, और उनकी छात्रवृत्ति नहीं छीनी जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, कहीं उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई तो बहुत टूट जाएंगे, और मैं फिर से उन्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहती। रमा, तू ही तो मुझे समझाती रहती थी ना, और आज तू ही ऐसी बातें कर रही है। वो क्या कहती हो तुम
कि भीम बाबु बोलते हैं कि अच्छे लोगों का अंजाम बुरा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होगा। हिम्मत रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। चल अब काम पर चलते हैं। सर आपने मुझे काम से तो निकाल दिया सर, लेकिन आपका शिष्य हूं मैं, आप मेरे गुरु, इसलिए मुझे आज लगा कि आपके पास आऊं और पूछूं कि आप कैसे हैं। क्यों, मुझे क्या हुआ? सर मुझे लगा कि आप दुखी हैं, और सच में सर दुखी होने वाली बात है सर। आपका शिष्य जो कहता है कि आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह बड़ा वकील बनना चाहता है, वही सबके सामने आपके खिलाफ बोलता है। दुखी तो मैं हूं। आओ भीमराव, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आके माफी मांगो सर से। देखो सर को कितने दुखी हैं सर। भीमराव थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो माफी मांगो, और माफी मांगने के बाद जाओ इस ऑफिस से, निकलो। नरोत्तम मैं दुखी हूं और भीमराव से असहमत भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं भीमराव को भगा दूंगा या भीमराव से मेरी कोई व्यक्तिगत खुन्नस है। और मेरे भी दिल में सर के प्रति जो आदर सम्मान है वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। तो आप अपना काम कीजिए। तुमने रात भर सोचा क्या? लगा मेरे पक्ष और तुम्हारे पक्ष में कौन बेहतर है? सर आपको ऐसा लगता है कि कानून को हमेशा सख्त होना चाहिए, नियम कायदों के अनुसार हमेशा भावहीन होकर फैसले लेने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि कानून का एक मानवीय पक्ष भी होना चाहिए। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जहां पर मरहम लगाने की थोड़ी सी भी जगह हो वहां कानून झुककर मानवीय धरातल पर उस घाव को सहला सके, मरहम लगा सके। देखा सर कितना विश्रम है सर, यहां ऑफिस में भी आकर आपकी विचारधारा को गलत बता रहा है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप इस भीमराव को समझ नहीं पाए। सर मैं बताता हूं, हुआ ये कि कल रात को इसकी छात्रवृत्ति चली गई, इसलिए शोक मना रहा होगा, और आपके पक्ष को समझने की कोशिश ही नहीं की होगी सर इसने। हाँ भाषण देना था तो आ गया भाषण देने, वही इसका काम है सर। हर बात भाषण नहीं होती नरोत्तम जी, और मैं जो कहता हूँ वो न्याय के लिए और सच्चाई के लिए कहता हूँ। आपके जैसा दूसरों को नीचा दिखाना नहीं आता है मुझे। तो छात्रवृत्ति चली गई तुम्हारी? नहीं सर, उस बात का फैसला शाम को होगा। नहीं सर, फैसला हो गया चली गई इसकी छात्रवृत्ति। तो ठीक है, शाम के फैसले का हम भी गवाह बनते हैं। वो कैसे सर? भीम के चल आ जाओ शाम को, देखते हैं फैसला क्या होता है। बिल्कुल सर, ये ठीक रहेगा। भीमराव छोड़ दो छात्रवृत्ति की उम्मीद। अरे राजा का मंत्री है, कुछ भी कहता रहता है। हा? और तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख। अब क्या करने आएगा वो यहां, बताओ। इस देश का राजा महाराजा कब से टाइम का पाबंद होने लगा? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वडोदरा के राजा सयाजी महाराज समय के पाबंद थे, हैं और रहेंगे।
क्या कहा महाराज ने?